बीजेपी ने कुछ दिन पहले अपनी पांचवी लिस्ट जारी की थी, जिसमें कुल 111 उम्मीदवारों के नाम शामिल है, जिसमें बीजेपी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को हिमाचल के मंडी से टिकट दिया है। तो वहीं मंडी से टिकट मिलने पर कंगना ने पीएम मोदी और पार्टी को धन्यवाद किया था। तो वहीं इन सब के बीच कंगना ने भी विपक्षियों को लपेटे में लेना शुरू कर दिया है। बता दें कि कंगना ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद है और वहां जो भी काम होता है वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को खुश करने के लिए होता है। दरअसल हाल ही में मीडिया चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि राहुल गांधी फिल्म इंडस्ट्री के राजा बाबू की तरह हैं। कांग्रेस में सभी नेता इसी में लगे रहते हैं कि कहीं राहुल बाबा नाराज ना हो जाए। ऐसा लगता है कि पार्टी उन्हें पढ़ने के लिए एक चिट देती है और वो उस चिट को पढ़ देते हैं। कंगना ने आगे कहा कि हम जो चाहते हैं कि वो जैसा बने वो उस तरह से नहीं बन सकते, क्योंकि यह इंसान बनाने वाली चीज ही नहीं है। हर किसी का सॉफ्टवेयर ऊपर से डाउनलोड होकर आता है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान ने उन्हें ऐसा बनाकर भेजा है। उन्हें किस किस लेवल पर अपग्रेड किया जाएगा। राहुल गांधी का कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता, वो कुछ और बात करते हैं और फिर कहीं और निकल जाते हैं। वो किसानों की बात करते करते चांद पर निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र है और यहाँ सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इतना ही नहीं, कंगना ने भाई भतीजावाद और परिवारवाद पर भी खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भाई भतीजावाद और परिवारवाद काफी ज्यादा है, इसलिए मुझे इस पार्टी से बहुत ज्यादा घृणा है। मैं इसका शिकार रही हूं और मैंने इस पर हमेशा खुलकर बोला है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।